ये देखिए ये भी सब जा रहे हैं घरों देश अपने अपने से निकल कर काम को। हाँ ये आपने देखे कितने अच्छे तरीके से ये क्या लगाया आपने जीशान, ये क्या लगाया बेटे ये यहाँ पे ये दीवार मॉडर्न क्या लगाया आपने? ये मॉडर्न हमारा। अच्छा बॉक्स है इसमें फाइबर मैनेजर। अच्छा ये फाइबर क्या मतलब? एक सेकंड ये अपना पाँव उठाएंगे हमें जरा नजर आए फाइबर से क्या मुराद है? किन लोगों के लिए इकट्ठी करके रखते हैं संभालते हैं इकट्ठा करते हैं और इस्तेमाल भी नहीं करते, इसलिए सब चीजों को निकालिए एक एक चीज रखें और बाकी शेयर करें। शेयरिंग इज द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। बहुत अच्छा लग रहा है ये सारे मेरी सराउंडिंग में सब मेरे बच्चों की तरह दे आर ऑल लिविंग लेजेंड्स मेरे मुल्क के नाम पर। Assalamu alaikum, this is BBG Veena Goindi with a new episode of Writer on the Road. दोस्तों ये है इस वक्त मेरे दोस्त बर्ड्स, इनकी आवाजें सुनिए, ये मेरे साथ मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। क्या खूबसूरत लग रहा है ये मौसम, ये देखें मेरे पीछे ये मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं ये सब, ये देखें ये भी सब जा रहे हैं घरों देश अपने अपने से निकल कर काम को। दोस्तों आज एक खूबसूरत सुबह के बाद मैं नाश्ता करके अब जो है आज मैंने अहद किया है कि इन बर्ड्स की तरह हो जाना है, तो मैंने ये मुहिम चलाई हुई है, इसलिए मैं अपनी घर की तमाम अलमारियों को खोल के डीक्लटर करना है, इनको साफ करना है। साफ करने से मुराद है सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें रखेंगे। ये देखें कितनी लिपस्टिक्स हैं, ये देखें इतना मेकअप, मैं तो करती भी नहीं, क्यों इकट्ठा किया है इसको? मैं जो एक दो चीज़ें रख के बाकी सारी चीज़ें बांट दें उसकी तरह। दे देखें क्या चीज़ें, किधर जाऊँ, अलमारियाँ खोलूँ, जिस जिस जगह पे जाते हैं जूते बेशुमार, इतने जूते क्या करने हैं, मुझे अपने ऊपर खुद शर्म आती है। हामिद साहब इस मामले में बहुत सही हैं, जो नई चीज़ खरीदते हैं तब खरीदते हैं, पुरानी पहले दे देते हैं। हमें अपनी चीज़ें जान से प्यारी होती हैं। इसी तरह ये देखिए सारे दराज खाली करती है। अब देखें कि ये कहाँ पर बात टूटती है, चूँकि पिलोज और सब चीज़ें निकाल के अलमारियों से बाहर रख दी हैं मैंने, कोई चीज़ अलमारी में नहीं रहेगी, अलमारियों की ज़रूरत ही ना हो, अलमारियाँ डेकोरेशन की तरह साफ सुथरी हों बस। नथिंग्स अपनी अलमारियों में मैंने यूं ही बर्तनों को निकाला है, यूं ही हर चीज़ को निकाल के डीक्लटर, सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें रखें एंड दैट्स इट। फिर देखें हम कितने साफ अंदर से और बाहर से होंगे और सबके पास सब चीज़ें होंगी, हम सब के साथ शेयर करें। डीक्लटरिंग मैंने इस वो चीज़ें जिनको इस्तेमाल नहीं करना वो हमने बांट देनी है, यही अहद किया है। किन लोगों के लिए इकट्ठी करके रखते हैं संभालते हैं इकट्ठा करते हैं और इस्तेमाल भी नहीं करते, इसलिए सब चीजों को निकालिए एक एक चीज रखें और बाकी शेयर करें। शेयरिंग इज द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। ये है मेरी एक जूतियों की अलमारी। भाई मुझे इतनी जूतियों की क्या जरूरत है, मैं तो बहुत कम ये जूतियां पहनती हूँ, एक एक दफा पहनती हूँ। अब मैंने यही सोचा कि मैं इन चीजों को, इतनी कीमती कीमती जूतियों को तो खरीदना भी नहीं, और फिर इनको डीक्लटर कर। तो दोस्तों ये PTCL वाला वाईफाई हमारे घर में है, इसने इतना तंग किया है और इनको बुलाया है, और वो जनाब दुरुस्त क्या करते हैं, कहते हैं कार्बन ऊपर हो जाता है तारों पे। देखिए अब इनके बंदे क्या करते हैं। अच्छा जी ये तो हमारे पास लेके आए हैं नई टेक्नोलॉजी के, इसको लगाने लगे जनाब। ये कह रहे हैं कि ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी लगवाएं और देखिए आपका इंटरनेट भी फास्ट होगा और आपकी हवा से आपका नेट भी नहीं जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए ये कर क्या रहे हैं, ये लीजिए, अब अल्लाह खैर करे ये हो जो कह रहे हैं।
आज मैं यहाँ पे देखे हम पीटीसीएल के करवा रहे काम, तो बेटा आपका नाम साद है, आप पीटीसीएल से? मोइज नाम, ओके ओके, जीशान नाम। इधर आओ बेटा, आपका नाम क्या है बच्चे? जीशान। मेरी बात सुने, आप इतनी मेहनत करके आपने सुबह से काम किया है। आज मैंने तो कंप्लेन की थी पीटीसीएल की कि आज वो हमारा इंटरनेट नहीं सही आ रहा, लेकिन आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से इसको डील किया और सब कुछ किया। और मुझे बताएं कि ये क्या कंप्लेन क्यों इतनी लोग करते हैं? कंप्लेन दरअसल अब ऑप्टिकल का जमाना आ गया। अच्छा, तो पीटीसीएल ने पैसा खर्च किया, सारी जगह ऑप्टिकल यानी के लेआउट कर दी है, तो इंशाल्लाह सारे कन्वर्ट हो जाएंगे जितने पुराने कनेक्शन थे। अच्छा अच्छा, अब आपको बेहतरीन स्पीड मिलेगी पहले। वेरी गुड। तो अगर पहले तो बारिश होती थी तो फिर एकदम पीटीसीएल हमें, हम कहते थे या अल्लाह बारिश ना हो, अब वो नहीं होगा, मसला खत्म हो जाएगा। हाँ जी, अब इसको बारिश के इसको कोई नुकसान नहीं होता। अच्छा 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 अच्छा, ये आप तारे बाहर से लेके आएंगे? अगर तारे लाए जैसे आपने किया, हाँ ये आपने देखे कितने अच्छे तरीके से। ये क्या लगाया आपने जीशान? ये क्या लगाया बेटे? ये यहाँ पे ये दीवार मॉडम क्या लगाया आपने? ये मॉडम हमारा। अच्छा, इसमें फाइबर मैनेजर। अच्छा, ये फाइबर क्या मतलब? एक सेकंड, ये अपना पाँव उठाएंगे, हमें जरा नजर आए, फाइबर से क्या मुराद है बेटा? ऑप्टिकल फाइबर जो हमारी केबल है ना। हाँ जी, उसका इसमें ज्वाइंट जो है ना वो यानी इस पर रखा जाता था ताकि नुकसान ना हो उसके। अच्छा 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 अच्छा, तो अब बारिश आएगी तो आपका काम खराब नहीं होगा? बारिश से इसको कोई मसला नहीं होता। तो अब ये अच्छा, तो इससे इंटरनेट की स्पीड भी कुछ बढ़ेगी क्या है इससे? इंटरनेट की स्पीड, इसमें अपलोडिंग स्पीड जो है, जैसे आपने डाउनलोडिंग 20 MB लिया ना पैकेज, उसमें 20 MB आपको अपलोडिंग स्पीड आएगी। ओह अच्छा जी, पहले में आपको 1 MB आती थी। यस, इसमें आपको जितनी आप डाउनलोडिंग स्पीड लेंगे उतनी ही अपलोडिंग आपको मिलेगी। ओह अच्छा, तो ये तो फिर बहुत अच्छा हो गया। तो ये तो फिर जी पीटीसीएल के लिए हमें पीटीसीएल ही लगवाना चाहिए, राइट? सही है, तो उतना ही जितना पहले आप दे रही हैं, इसमें कोई अच्छा बिल कोई इजाफा नहीं है। अच्छा, बिल का इजाफा नहीं है, चले ये तो बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, ये थे हमारे पीटीसीएल के नुमाइंदे जो कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह अब इनका काम देखते हैं और हम आपको फीडबैक भी देंगे। हाँ जी, मुझे ये बताइए कि ये जब दूसरी कंपनीज हैं और ये कंपनीज है, आपके इसमें स्पीड तो आ जाती है, तो ये इससे पहले भी ये दूसरी कंपनीज भी यही काम करती है इसी के थ्रू? जितनी भी फाइबर की सर्विसेज दे रही है ना पाकिस्तान में, जी जी, तो ज्यादातर पीटीसीएल से ही सोर्स लेकर अच्छा आगे इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। अच्छा अच्छा अच्छा, मेन जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना पूरे पाकिस्तान में वो पीटीसीएल है। जितनी भी कंपनीज हैं वो पीटीसीएल से लेकर वेरी गवर्नमेंट का आधार है ना, प्राइवेट तौर पे लाइसेंस जनरेट कर देते हैं, राइट? ये तो बात है, उसके थ्रू फिर वो जिस जिस जगह पे उनको इजाजत मिलती है। अच्छा, अपनी केबलों को बिछा के तो सर्विस। अच्छा, ये वो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, ये गवर्नमेंट का सेक्टर है, दैट मेक्स सेंस। चलिए, बहुत शुक्रिया, ये तो बड़ी अच्छी आपने बात बताई है। तो दोस्तों, पीटीसीएल से ही कनेक्शन लें, और उन्हीं हमारा अंग्रेजी में भी जाता है ना हो अपने मुल्क को थोड़ी हमने बदनाम करना है। तो ये दे आर डूइंग, लुक दोस्तों, ये देखें ये कितने अच्छे तरीके से, फाइन तरीके से, रॉ टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं, जो इनके पास गिवन टूल्स है उसी के साथ। तो वी शुड अप्रिशिएट पाकिस्तानी वर्कर्स, और पाकिस्तानी वर्कर्स बड़े अच्छे हैं, बड़े इनमाक और अच्छे तरीके से ये लोग काम करते हैं। वी शुड रिस्पेक्ट देम एंड यू नो गिव देम मोर अपॉर्चुनिटीज टू डू इट। बेटा, ये इसमें अब कार्बन वगैरह की अब जैसे हो जाता है तो ये अब नहीं होगा? ये क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है? ये ऑप्टिकल जो है ना, इसका मतलब होता है शीशे से एक उन्होंने मीडिया तैयार किया है। अच्छा, जिस पर जो आपका सिग्नल होगा ना, जो बैकेंड से सिग्नल आएगा, वो लाइट की स्पीड पे ट्रेवल करके आपके एंड तक पहुंचेगा। वाह, आप तो पूरे इंजीनियर हैं जनाब। उसमें फिर लॉस थोड़ा बहुत होगा, क्योंकि जितना ज्यादा लाइन लंबी होती है उसका कंडक्टर लंबा होता है, तो लॉस भी उसके अंदर टूटता है। किस चीज का लॉस? जितनी तार लंबी होगी ना उसमें लॉसेस आ जाते हैं। वो अच्छा, सुनने वाले समझ जाएंगे, जो टेक्निकल होंगे ना वो समझ जाएंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो इसी लेकिन हमें तो एक आम यूजर के लिए आप क्या इसमें टिप क्या देंगे? इसमें ये टिप देंगे, ये इंटरनेशनली हर जगह पर आप फाइबर चल रहे हैं। हाँ, तो इसमें नहीं चला के देखे, बेहतर चले, लेट्स सी व्हाट हैपेंड, लेकिन इट इज बेहतर क्वालिटी इसकी। चले, थैंक यू वेरी मच। 3 hours later. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको पता है कि आज हम जा रहे हैं ब्रंच विद आवर फ्रेंड्स। आज हमने फ्रेंड्स के साथ एक ब्रंच छोटा सा रखा है मेरे साथ में, तो लेट्स मीट ओवर देयर, और हम जे ब्लॉक जा रहे हैं, लेट्स कम विद अस। था कि मैं जब ही दाखिल हुई, मेरे फ्रेंड्स खड़े होके मुझे फूल पेश किए। आई रियली लव इट, इट्स ब्यूटिफुल।
मैं इमोशनल हो गया। अस्सलाम वालेकुम, आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। रक्षिता इधर आओ, इधर आए। हाँ जी, आज मेरे अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिन के बाद। एंड दे आर सेइंग वेलकम टू मी, आई रियली लव यू मुज़ाकिर, एंड आई रक्षिता ऑलवेज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और जय थैंक यू सो मच निधि, और सब लोगों के आने का कितना मजा आता है जब आप कीमती लोग इकट्ठे होते हैं, और लगता है कि जिंदगी की सब खूबसूरत से खूबसूरत मोमेंट्स। जूही हॉल में दाखिल हुई जे ब्लॉक डिफेंस क्लब, तो ये सब दोस्त जो थे मेरे लिए फूल लेके खड़े थे। आई गेट वेरी मच इमोशनल, ये दोस्त भी कितनी प्यारी चीज़ होते हैं। यकीन मनो बस अखा में आंसू ते होंठा ते मुस्कुराहट रही। बहुत जिंदा रहो सब दोस्तों, सब अहबाब, सब सलामत रहो। एंड दिस इज लाइक व्हाट, आलू, आलू की भुजिया। वाह वाह वाह, ये देखे, इसको कहते हैं आलू भुजिया, और ये है कबाब। एंड दिस इज, और लंबी चाइनीज की लिस्ट, और फिर मैं आगे भी इधर बना लूं। तो यहाँ डिजर्ट भी बहुत मजे मजे के हैं, चटनी में डिजर्ट। दिस इज ऑल रियली गुड एंड प्रीटी। या थैंक यू बीना जी, ये भी बड़ा अच्छा। चले वो केक काट रही है बीना। अच्छा, डॉक्टर जी आज सुबह आ गया कि हम मॉर्निंग शो कर रहे थे चैनल के लिए, तो डॉक्टर उसने कार्ड पढ़ दिया। तो वहाँ पर ना एक हमारी ऐसी गेस्ट टाइम इज क्वाइट नोन, उन्होंने हाँ उन्होंने कहा कि मेरा ड्राइवर नहीं आया तो अनिल आप मुझे छोड़ दें। तो सबने कहा कि अनिल आप उधर जा रहे हैं, इन्हें भी छोड़ दीजिए। वेलकम वेलकम, आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ये सारे मेरी सराउंडिंग में सब मेरे बच्चों की तरह, दे आर ऑल लिविंग लेजेंड्स, मेरे मुल्क के नामवर हैं बैठे हुए। इनमें कोई भी ऐसा, ये बच्चे भी जो है, ये मैं भी तेरी गुफ्तगू में सुन रहा था इनके साथ, तो मैंने स्कैन कर लिया कि ये क्या कर रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम अदील, थैंक यू सो मच। मैं हमेशा कहती हूँ कि दोस्तों के दरमियाँ वजह दोस्ती है तू, और आप हमेशा महफिल में जान डाल देते हो, और आज तुम्हारी जान बीना गोइंदी के वेलकम। ओह थैंक यू, और इतने अच्छे अच्छे उन्हीं की बहुत सारे लोगों से मुलाकात हमारी हो गई है जी। अस्सलाम वालेकुम, सबको सलाम, और सबसे पहले अदील को सलाम। अदील इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, इसलिए चूँकि अदील को जो समझेगा वो खुद में बड़ा स्पेशल होना चाहिए, बिकॉज अदील इज़ वेरी डीप एंड वेरी सॉफ्ट इनसाइड। और अदील ने आज रिसेप्शन मुझे दिया, एंड आई रियली अप्रिशिएट, और मेरे बहुत करीबी जो लोग हैं उनको बुलाया, एंड आई हैव रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन। बट यू नो यहाँ पे यूथ भी है, रक्षिता मेरी बचपन की सहेली, ये भी मेरी बचपन की सहेली है, ये हम नहीं, तुसी तो मेरे सहेली और बाबा नहीं है, मेरे पहले भी गाय है। और बहरहाल बहुत शुक्रिया अदील, थैंक यू वेरी मच, योर हॉस्पिटैलिटी इज ग्रेट, वंडरफुल, ऑलवेज गुड, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम, आपको मालूम है बीना से तो हमारी जिसको कहते हैं दिली और जज्बाती वाबस्तगी और दोस्ती है, तो बीना के लिए कुछ हो और आप करें और हम ना आए, दैट्स नॉट, ऐसे तो हालात नहीं है। ये हमारी छोटी सी नई भाभी है, अस्सलाम वालेकुम। अरे नहीं, आप सलामत रहिए, तो आपका शुक्रिया संडे भाई, आप बुलाएं हम ना आए, ऐसे भी हालात नहीं। इतने अरसे से हम इंतज़ार कर रहे थे कि दिल भाई ने कब दीदार करवाना, तो बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। वो और होगा, अच्छा ये संडे ब्रंच है ना, वो तो फिर लंच और डिनर भी होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया, आपने आज दिन यादगार बना दिया, बिना आपा से लंबे अरसे बाद मुलाकात हुई, रक्षिता आप सब लोग। तो दोस्तों सब दोस्तों ने अपनी अपनी राय बयान की, और सुनकर बड़ी खुशी हुई कि अपने मसरूफ़ ज़िंदगी के ऐसे दिन में किसी के लिए फुर्सत के लम्हात किसी दोस्त के लिए निकालना बड़ी प्यारी बात होती है। तो ये दोस्त जो होते हैं ये बहुत अनोखा और बड़ा ही प्यारा और बड़े गूढ़ा रिश्ता होते हैं, इनके साथ वाकई दोस्ती निभा के रखा करें। और जब आप मिलते हैं तो आप हर तरह की बात कर लेते हैं, और आप गिला भी कर लेते हैं, कम भी मिल लेते हैं, तो बेशुमार रिश्तों को कायम रखें, लेकिन दोस्ती के रिश्तों को अगर किसी भी रिश्ते में शामिल कर लें तो वो बड़ा प्यारा हो जाता है। तो देखें सब कुछ ना कुछ मेरे लिए प्यार और मोहब्बत के लफ्ज़ कह रहे हैं, जिसके सुन के मेरे दिल को यकीन माने
बहुत देर तक मैं उसी जिसे कहते हैं शहर में रही हूँ, और मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करूँ, इसीलिए तो सलाम पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, और लाहौर लाहौर है। तो ये दुनिया में सारी दुनिया फिरती हूँ, पर जो मज़ा मुझे पाकिस्तान में आता है वो कहीं नहीं आता। तो दोस्तों, आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। कल एक नए व्लॉग के साथ आपके साथ मुलाकात होगी, और मैं ये बात आपको बार बार याद कराती हूँ कि आप मेरा चैनल लाइक करें, कमेंट भी करें, और उसको हो सके तो शेयर भी कीजिए। और कल हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आने वाले हैं। बीबी जी को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।